गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द एक दूसरा रिसोर्ट जाने वाला हूं, तो आज हम लोग निकल चुके हैं दूसरा वाला रिसोर्ट जाने के लिए। और जो दूसरा रिसोर्ट है जहां पे आज हम लोग जा रहे हैं वो है रूपोशी रूपनारायण कुटी, वो कोलाघाट में है, सोनार बांग्ला रिसोर्ट का एकदम बगल में ही है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे आपको हुक्का फैसिलिटी भी मिल जाएगा। अगर आप होटल में बोलोगे, रिसोर्ट में बोलोगे, तो रिसोर्ट में आपको हुक्का भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक लॉन है। हम लोग यहाँ पे जो बुकिंग किए हैं, एक 6 बेडरूम लिए हैं और एक डबल बेडरूम लिए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेरेस टाइप का दे दिया, वो हम लोग का एक डबल बेडरूम है और ये हम लोग का 6 बेडरूम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो रूपोशी नदी एकदम स्विमिंग पूल का बगल में ही है। ये है हमारा 6 बेडरूम। रूम काफ़ी बड़ा है, दो बड़ा बड़ा बेड दिया हुआ है, टीवी है, एक टेबल फैन है, बड़ा सा एसी है। साइड से देखेंगे तो इधर तो कोई व्यू नहीं है, बट इधर से देखा जाए तो पूरा रिवर का व्यू है। एसी चल रहा है। यहाँ पे एक वार्डरोब दिया हुआ है। रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, हाँ, बट थोड़ा सा छोटा है मैं ये बोलूँगा। चाय वाय दूध वूध सब दिया हुआ है यहाँ पे। डबल बेड वाला रूम भी दिखा देता हूँ, ये है उसका डबल बेड वाला रूम। ये रूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल दिया गया है, वार्डरोब, टीवी। तो डबल बेडरूम और ये हम लोग का 6 बेडरूम जहाँ पे हम लोग 8 जने अकोमोडेट कर रहे हैं। ये भी दोनों रूम बहुत सुंदर है, सारा फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, बाथरूम भी काफ़ी क्लीन है, रूम भी बहुत क्लीन है। अब रूम का प्राइस कितना है, हम लोगों ने कैसे बुक किया, बुक करने के लिए जो फ़ोन नंबर है, रिसोर्ट का फ़ोन नंबर या फिर लिंक, सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग देख लेना। और रूम का प्राइस क्या है नहीं है वो भी मैं आगे जाकर वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा सब कुछ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस रूम का एक फैसिलिटी सबसे बेस्ट है ना, जो आप देखिए खिड़की से आपको पूरा रूप नारायण रिवर दिखेगा। तो आप आराम से बैठ के यहाँ पे बेड पे बैठ के आप आराम से ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। नीचे ही बस रूम का नीचे ही आप देखो स्विमिंग पूल है। एक दिन बिताने के लिए ये रिसोर्ट बहुत ही मस्त है, कोलाघाट में सोनार बांग्ला रिसोर्ट का एकदम जस्ट 5 मिनट डिस्टेंस पे ये वाला रिसोर्ट है। रूम के अंदर फूड मेनू भी दिया हुआ है, तो मैं आपको एक बार प्राइस दिखा देता हूँ। खाना यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार
हर एक फूड आइटम का प्राइस देख लेना। चलिए आपको एक बार पूरा रिसॉर्ट दिखाते हैं। हाँ, ये है पूरा रिसॉर्ट। बहुत ही बड़ा पूल है, पूल यहाँ पे शाम को 8 बजे तक है। और यहाँ पे हम लोग का एक रूम है और ये वाला हमारा एक रूम है। और इस रिसॉर्ट में बहुत सारा डबल बेड रूम है। रूम का प्राइस क्या है नहीं है वो मैं सारा यहाँ पे डिटेल्स में दे दूँगा, और आपका होटल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। रिसॉर्ट बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर भी आप लोगों को दिखा लेता हूँ। यहाँ पे बच्चा लोग का खेलने के लिए भी ऐसे एक वो बना हुआ है, छोटा छोटा चीज़ें। लॉन में बैठने का भी जगह है। रिसॉर्ट का बेस्ट जो है वो है यहाँ से ये रिवर का व्यू। एक वीकेंड अपना फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ चिल करने के लिए ये रिसॉर्ट बहुत ही बढ़िया जगह है। मतलब आराम से आप रिलैक्स कर सकते हो, अपना फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। पूल बहुत बड़ा पूल है तो पूल का मजा ले सकते। चलिए थोड़ा पूल में एंजॉय करते हैं। पूल से उठने में हम लोग को ऑलमोस्ट 4 बज गया। तो अभी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे खाना बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम लोग यहाँ से जा रहे कोलाघाट, वो जहाँ पे शेर पंजाब है और दूसरा कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाके लंच करेंगे। रिवर क्रॉस करने से कोलाघाट है, तो चलिए लंच करते हैं। और कहाँ लंच करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो हम लोग सोचे थे कि जो फूड प्लाजा है वहाँ पे खाना खाएंगे, बट बगल में हम लोग को आमिनिया दिख गया, तो हम लोग आमिनिया में आके खाना खा लिए, बिरयानी और ये सब। यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉस्टली है, नॉर्मल जो प्राइस है कलकत्ता में जो आपको मिलेगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टली है। बट खाना का क्वालिटी और टेस्ट एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त है। शाम का टाइम यहाँ पे पूरा लाइट वाइट जला दिया है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इतना तेज़ हवा चल रहा है ना, मतलब सुबह इतना ज़्यादा गर्मी था और शाम को अभी इतना अच्छा हवा चल रहा है, मतलब हम लोग को रूम में बैठने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, इतना अच्छा हवा चल रहा है, गर्मी लग ही नहीं रहा है। यहाँ पे बाहर हम लोग को बैठने का अरेंजमेंट पूरा कर दिया, टेबल चेयर वेयर लगा के अच्छा खासा। और यहाँ पे सब बच्चा लोग सब यहाँ पे झूला वूला झूल रहे हैं। वहाँ पे गेम्स रूम भी आपको दिख रहा होगा, सब कैरम वैरम खेल रहे हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो वाला लोग का इन हाउस रेस्टोरेंट है। एक वीकेंड बिताना चाहते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो ये वाला जगह बहुत ही बढ़िया है, आप इजीली आ सकते हो। और यहाँ पे जो हम लोग का रूम दिया गया है 6 बेडेड जो रूम है विथ 2% एक्स्ट्रा हम लोग को 10,500 गिर रहा है विथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। जो डबल बेडरूम मैंने आपको सुबह दिखाया उसके लिए हम लोग को लिया जा रहा है 3,500। टोटल हम लोग का 14,000 का आसपास बिल हो रहा है इंक्लूडिंग टैक्स। और यहाँ पे खाना का फूड मेनू का प्राइसेस तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। एक दिन बिताने के लिए ये जगह बहुत ही बढ़िया है और फुल्ली रिकमेंडेड है। एक दिन आओ अपना फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, ये जगह पे एक दिन बिताओ। कल रात को यहाँ पे वेदर बहुत बढ़िया हो गया था, तो अभी हम लोग को 9 बज रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे बुफे ब्रेकफास्ट है जैसे मैंने आपको बोला था, प्राइस में इंक्लूडेड है हम लोग का ऑलरेडी ब्रेकफास्ट का अमाउंट। तो ब्रेकफास्ट का वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट का स्प्रेड कैसा है, आपको भी दिखाते हैं। और खाना का क्वालिटी कैसा है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ का जो चेकआउट टाइम है वो है सुबह 10 बजे तक। चलो ब्रेकफास्ट का जगह आपको दिखाते हैं।
ब्रेकफास्ट का स्प्रेड मैंने आपको दिखा दिया कैसा था। खाना सच बताओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी तो था नहीं, नॉर्मल जो पूरी सब्जी था वही अच्छा था, और बाकी पोहा था, इडली था, जूस था, जूस का नाम पे माजा था, एक भुर्जी था और सांभर था, ठीक ठाक था। मेरे को तो पूरी सब्जी छोड़ के बाकी कुछ इतना अच्छा लगा नहीं, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब 10 बजे यहाँ पे चेकआउट है तो हम लोग फटाफट रेडी होंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।